अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप रील्स पर वीडियो बना करके अपलोड करते हो और कुछ रील्स वीडियो को आपने बना करके अपलोड नहीं किया, उनको आपने ड्राफ्ट के अंदर सेव कर दिया था ये सोच करके बाद में हम इनको अपलोड कर लेंगे, बाद में हम इनको शेयर कर लेंगे, लेकिन अभी आपके साथ में वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है, आपको जो प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है, वहाँ जैसे ही आप जा रहे हो अपने रील्स के ड्राफ्ट में तो आपको कुछ इस तरह का एरर आपको वहाँ डिस्प्ले पर शो हो रहा है, कांट लोड ड्राफ्ट, मतलब कि जो आपने वीडियो सेव कर रखी थी ड्राफ्ट के अंदर रील्स के, अब जैसे आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है, कांट लोड ड्राफ्ट। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आई है और इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इस वीडियो में आप यही जानेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं आई जी हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है, कांट लोड ड्राफ्ट, ये ऐसा एरर आपको क्यों शो होता है, ये प्रॉब्लम क्यों आ जाती है ड्राफ्ट की वीडियो के अंदर, पहले आपको ये समझना होगा। गाइस होता क्या है कि जो हम रील्स बनाते हैं और उनको ड्राफ्ट के अंदर सेव कर देते हैं तो हमने जिस म्यूज़िक पर उस रील्स को बनाया, कभी कभी हम दूसरे के म्यूज़िक पर रील्स को बना देते हैं उसके बाद में उस वीडियो को अपलोड तो नहीं करते लेकिन हम उसको ड्राफ्ट के अंदर सेव कर देते हैं। अब होता यह है कि वो जो म्यूज़िक जो जिस ऑडियो पर आपने वीडियो को बनाया था, अगर वो ऑडियो जिस वीडियो का लिया था और वो वीडियो वहाँ से रील से हट गई यानी कि वो डिलीट हो गई तो आपकी ड्राफ्ट की वीडियो के अंदर ये वाला एरर यहाँ पर आपको शो करेगा। एक तो इसका रीज़न ये होता है और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने कोई वीडियो बनाई और उसको ड्राफ्ट के अंदर सेव कर दी और उस वीडियो को आपने महीनों से सेव कर रखी है, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वक्त हो चुका उसको ड्राफ्ट के अंदर सेव हुए, अब आप वहाँ पर जा रहे हो और जाने के बाद में आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो उसको अपलोड करने के लिए तो वहाँ आपको ये वाला एरर देखने को मिल जाता है, कांट लोड ड्राफ्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी रील्स अगर आप ड्राफ्ट के अंदर रखते हो तो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको आपको अपलोड कर देना चाहिए। अगर आप एक हफ्ते से ज़्यादा उसको रखोगे, 15 दिन 20 दिन या फिर महीने तक, तो वहाँ पर उसके अंदर एरर आ जाता है और वो फिर अपलोड नहीं होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि कांट लोड ड्राफ्ट, ये जो एरर आपको शो रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है। वैसे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है लेकिन आप यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करके देख सकते हो, उस तरीके से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको करना ये है, आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट करना है प्ले स्टोर पर जा करके, अपडेट अगर आया हुआ है तो अपडेट कर लीजिए और फिर चेक कीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपडेट नहीं आया हुआ है तो 1 से 2 दिन का वेट करें, अपडेट आएगा तो अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद में एक बार फ़ोन को ऑफ़ करना, उसके बाद में ऑन करना और उसके बाद में चेक करना कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई। अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हुई तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। और आपको ध्यान रखना है कि एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए आपको कोई भी रील ड्राफ्ट के अंदर नहीं रखनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।